नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। इससे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और अभी अभी कोलकाता जाने की तैयारी है। एयरपोर्ट पे आके एक मोटिवेशनल स्टोरी याद आ गई जो फ्लाइट के साथ रिलेटेड है और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। एक खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, प्रेटी गर्ल, फ्लाइट लेने के लिए, बोर्ड करने के लिए फ्लाइट में पहुंचती है। जब अपनी सीट के नज़दीक पहुंचती है तो वो देखती है कि जिस सीट पे उसने बैठना है, साथ वाली सीट पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका मुंह जला हुआ है, यानी जलने के निशान है। तो उसने इमीडिएटली एयर होस्टेस को कहा कि मैं इस सीट पे नहीं बैठूंगी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती जिसका मुंह जला हुआ है, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है। एयर होस्टेस ने उसे रिक्वेस्ट की कि इस फ्लाइट में और कोई सीट नहीं अवेलेबल है, आपको प्लीज़ इसी सीट पे बैठना होगा। तो उसने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। एयर होस्टेस इमीडिएटली केबिन में गई और कॉकपिट में गई और वहां जाके उसने कैप्टन से बात की, पायलट से बात की और 3-4 मिनट के बाद वापस आई और आके उस लड़की को कहा कि मैडम, एग्जेक्टिव क्लास में एक सीट खाली थी। हमारी एयरलाइन में पूरी हिस्ट्री में आज तक किसी भी इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर को एग्जेक्टिव क्लास में फ्री नहीं भेजा गया। ये पहली बार आज हम कर रहे हैं एक फ्री इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर को एग्जेक्टिव क्लास में फ्री शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके कहने के कारण। तो अभी वो सुंदर लड़की कुछ बोलने ही लगी थी तो एयर होस्टेस ने उस आदमी की ओर इशारा किया कि सर, आप एग्जेक्टिव क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं, हमने केवल आप ही के लिए ये रूल तोड़ा है। लड़की बेचारी हैरान, परेशान, शर्मिंदा। तो वो आदमी उठ के बोलने लगा कि मैं आर्मी में था और बॉर्डर पे एक बम फटने से मुझे ये आग लगी और मेरा चेहरा खराब हो गया। जब इस सुंदर लड़की ने कहा कि मैं इसके साथ नहीं बैठ सकती तो मुझे लगा कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए अपनी जान गंवाता हूँ, अपने हम बॉर्डर पे इन लोगों के लिए जाके लड़ते हैं। लेकिन जब आपने मुझे एग्जेक्टिव क्लास में भेज दिया और इसे यहाँ पर बिठा दिया तो मुझे गर्व हुआ अपने ऊपर कि हम सही कर रहे हैं और भारत माता के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। और ये सुनते ही सभी पैसेंजर्स ने उस एयरलाइन में, उस एयरक्राफ्ट में सभी पैसेंजर्स ने ताली बजाई। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, सुंदरता कर्मों से है। अब काम क्या करते हैं, सुंदरता चेहरे पे नहीं है कि आप दिखते कैसे हैं। दिल को सुंदर कीजिए, अपने कर्मों को सुंदर कीजिए, अपनी सोच को सुंदर कीजिए, अपने एक्शंस को सुंदर कीजिए। खुद ब खुद हम सुंदर दिखाई देंगे और लोग हमारी इज्जत करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक।